हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे फैशन एजेंट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सभी कहते हैं कि हमें बनाना बताएं, निटिंग करना बताएं, तो ये देखिए आपके लिए कितना प्यारा डिज़ाइन मैं लेकर आई हूँ। आज मैं आपको ये सिखाने वाली हूँ। तो इसमें ये जो डिज़ाइन है ये दोनों साइड से ही सीधा है। ये देखिए, जैसे इधर से भी और ये देखिए इधर से भी, इसका सीधा उल्टा कुछ भी नहीं है। तो इसे आप जैकेट में और इसमें शॉल में, स्कार्फ में, किसी में भी डाल सकते हैं। आप इसे बेबी फ्रॉक में भी डाल सकते हैं, फ्रॉक के घेरे में जैसे डालते हैं तो उसे उसमें डाल सकते हैं आप। ये डिज़ाइन जो है ये 4 सिलाइयों का डिज़ाइन है और ये 10 फंदों में बनता है। 5-5 फंदों का ये डिज़ाइन रहता है। तो आइए शुरू करते हैं इसे बनाना। देखिए, ये 17 फंदे मैंने डाले हैं और इसमें एक सिलाई मैंने सिंपल डाल ली है। तो अब हम डिज़ाइन शुरू करने लगे हैं। ये पहला फंदा तो आपको पता है ऐसे स्टिच होता है। फिर उसके बाद हमने ये 5 फंदों का डिज़ाइन है और 4 सिलाइयों का है, सिंपल बना लेना है पीछे धागा करके। 1, 2, 3, 4, 5 पीछे धागा करते हुए 5 बना लेने हैं। अब ये जो 5 फंदे हैं इसको कैसे बनाना है, हमने पीछे की तरफ से ही बनाना है। पर ये देखिए, एक बार धागा जो है हमने ऊपर से लपेट लेना है। ये देखिए, इस तरह हमने 5 फंदे बनाने हैं। 2, 3, 4 ये देखिए, धागा लिया पिछली साइड से, इसके ऊपर से एक बार तो हम लपेटती हैं, एक बार और लपेटना है। ये 5 हो गए। अब ये आगे वाले 5 हमने सिंपल बना लेने हैं। 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये लास्ट वाला ऐसे स्टिच, ठीक है। इसमें 6 हो गए। तो अब आ गई नेक्स्ट सिलाई। तो नेक्स्ट सिलाई में हमने क्या करना है, ये देखिए, ये हमारा ऐसे स्टिच, ठीक है, और इसके बाद हमारे 5 फंदे, ये हमने फिर से सिंपल बनाने हैं पीछे धागा करके। 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब जो हमने धागा लपेट कर 5 फंदे बनाए थे उसको हमने ये देखिए इस तरह से उतार लेना है। 1, 2, 3 ये 4 और ये 5, ठीक है, ये 5 हो गए। ये देखिए 3, 4, 5 इसको हमने सिलाई पर ले लेना है। अब हमने क्या करना है, ये धागा पीछे की तरफ से आगे लेकर आना है, फिर इसे लपेटना है। ये देखिए, ये 2 फंदे बन गए। अब हमने इस 5 का 1 बनाना है, इस तरह से पीछे की तरफ से बुनना है पीछे धागा ले जाकर, यानी कि हम इसे सीधा बुनेंगे, ठीक है। ये 5 का 1 बन गया हमारा, 1 यहाँ पर बढ़ गया। अब फिर हमने आगे धागा करते हुए एक बार लपेट लेना है, फिर इसे हमने बनाना है। ये देखिए, हमारे 5 पूरे हो गए। हमने 5 का 1 किया था, 1, 2, 3, 4 और 5। अब हमने इन 5 फंदों को बना लेना है। 1, 2, 3, 4 और ये 5। देखिए, हमने 2 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली है और हमारा डिज़ाइन ये देखिए पैटर्न जो है यहाँ पर आ गया है। अब यही पैटर्न यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आएगा, ठीक है। वो देखिए कैसे आएगा, ये हमारा ऐसे स्टिच है, इसे हमें बना लिया और जो हमने यहाँ पर किया था वही हमने अब ऊपर से धागा लपेटते हुए 5 फंदों को करना है। 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है। अब जो हमने यहाँ पर धागा लपेटा था वो देखिए मैं बताती हूँ आपको कैसे बनाना है। ये जो हमारा फंदा है इसको हमने सीधा बनाना है पीछे धागा करते हुए,
और फिर जो ये फंदा रह जाएगा इसे आगा धागा करते हुए उल्टा बनाना है। ठीक है, अब ये जो हमारा फंदा जो हमने 5 का एक किया था इसे हमने सीधा बनाना है। अब हमने इस फंदे को फिर से सीधा बनाना है और ये जो हमारा फंदा है हमने उतारा था इसे हमने उल्टा बनाना है। फिर हमने ये जो 5 फंदे हैं वही वाला पैटर्न यहाँ पर आएगा, इसके ऊपर से ऐसे पीछे ले जाके ऐसे धागा ले जाके दो बार लपेटना है और फिर इसे बनाना है। 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, और ये हमारा ऐसे स्टिच। अब हमारी आती है चौथी सिलाई। देखिए जो पैटर्न हमारा यहाँ बना है अब यहाँ बनेगा। अब हमने क्या करना है, ये हमारा ऐसे स्टिच है। ठीक है, अब इन फंदों को हमने उतार लेना है जिसको हमने दो बार किया था, 3, 4 और ये 5। ठीक है, ये 5 फंदे हैं, इसको हमने क्या करना है, दूसरी सिलाई पर ले लेना है। दूसरी सिलाई पर ले लिया और उसी तरह हमने धागा आगे करते हुए यहाँ से इसे लपेटते हुए इसे हमने पीछे की तरफ से पीछे धागा करके इसे हमने बना लेना है। ये देखिए अब हमने ये धागा ऊपर से करके इसे लपेटते हुए फिर इसे हमने बनाना है। 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब हमने इसको सिलाई पर उतार लेना है। 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, अब हमने इसको इसे दूसरी सिलाई पर ले लेना है जैसे हमने वहाँ पे किया था सेम, और इस धागे को हमने आगे करते हुए इसके ऊपर से लपेट लेना है और पीछे धागा करते हुए इन 5ों को इकट्ठे हमने बना लेना है। इन 5 का हमने एक कर लेना है। अब फिर हमने धागा आगे करते हुए इसे लपेटते हुए हमारा ऐसे स्टिच बना लेना है। ये देखिए यही वाला पैटर्न हमारा अब ये देखिए यहाँ आ गया। ठीक है ना, ये बहुत ही आसान डिज़ाइन है। अगर आप ध्यान से एक दो बार देखेंगे वीडियो को तो आपको समझ आ जाएगा और आपका बनकर ये देखिए इतना प्यारा डिज़ाइन आएगा। 5 फंदों का डिज़ाइन है और 4 सिलाइयों में कंप्लीट होता है। इसे आप देखिए स्टॉल पे भी डाल सकते हैं, मफलर बनाना है उस पर भी डाल सकते हैं, और अगर आपने अपनी जैकेट बनानी है तो उस पर भी आप डाल सकते हैं और उसमें बॉर्डर बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए बिल्कुल सेम आता है दोनों तरफ से। और अगर आपको जाली वाला डिज़ाइन पसंद है तो सही है, पर कईयों को ना जाली वाला डिज़ाइन नहीं पसंद होता जहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको बिना जाली वाले डिज़ाइन पसंद है तो उसका पैटर्न मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ।